और स्वाइन फ्लू को लेकर जो जिस खतरे की बात ऑन एंड ऑफ लगातार कर रहे हैं उसके अब दो हिस्से हो गए, एक जो स्वाइन फ्लू से खतरा है और उसको लेकर जो गलत बयानबाजी हो रही है उससे जो भ्रम फैलेगा उसको लेकर खतरा बढ़ गया। बिल्कुल, क्योंकि मीडिया कोशिश कर रही है लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कि आप बचिए इससे, हाथ धोइए, मास्क पहनिए, डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट करवाइए। हर रोज हम लगे हुए हैं और जो नेता हैं उनको इतना भी टाइम नहीं मिला है कि वो देख ले कि स्वाइन फ्लू क्या है। पहले हम आपको दिखाते हैं ममता बनर्जी ने कलकत्ता में क्या कहा, कोलकाता में क्या कहा। खैर कोलकाता में अभी तक उतना स्वाइन फ्लू का केस शायद आया नहीं है, लेकिन कुछ तो उनको पता होना चाहिए था। सुन लीजिए एक बार। स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, हमने इसके लिए अलग से वार्ड बनाए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ये ज्यादातर मच्छर के काटने और कई दूसरी वजहों से होता है। इलाज करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन इसका इलाज अच्छे से हो इसका इंतजाम करना मेरा कर्तव्य है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इलाज करना उनके बस में नहीं है, लेकिन कम से कम सही जानकारी देना तो उनके बस में। जैसे एक ट्विटर पे आया है, हम कर रहे हैं हैशटैग नेता बेखबर, किसी ने बोला कि मैडम आप जरा विकिपीडिया टाइप में टाइप करके स्वाइन फ्लू देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। सही बात है, इतना और 712 लोग कल तक मर चुके हैं, 1000 से ज्यादा लोग, 11000 से ज्यादा लोग जो हैं वो बीमार हैं। और उसमें एक बड़ी बात ये भी है ऑनिन की, सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है, अगली बात जो हम दर्शकों को बताएंगे, मुंबई की मेयर हैं वो इससे भी एक कदम आगे चली गई। जबकि मुंबई में मौतें हुई हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम है दिन के बाद दिन। हमारे मुंबई के जो रेजिडेंट एडिटर है अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे थोड़ी देर में, वो कह रहे हैं कि मुंबई में टीबी का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है और मेयर को ये पता नहीं है। आपकी स्क्रीन पर है, जरा पढ़ के बता दीजिए आप। वो ये कह रही हैं, जो मेयर है मुंबई की, वो ये कह रही हैं कि ये एक हृदय रोग है यानी हार्ट डिजीज है और स्वाइन फ्लू के रोकथाम के लिए गार्डन पार्क विकसित किए जाएंगे और स्वाइन फ्लू एक हृदय रोग है जैसा मैं बता रहा था, और बीमारी की रोकथाम के लिए पेड़ भी लगाए जाएंगे। पेड़ लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस चीज के लिए लगना चाहिए ये जानकारी होनी मतलब चाहिए। मतलब वो कंफ्यूज हो गए, उनको शायद इतना पता है कि लंग डिजीज जिनको है उनको प्रॉब्लम है और मुंबई में लंग डिजीज बहुत लोगों को है, तो वो बोल रहे अच्छी बात है पेड़ लगाएंगे, लेकिन हृदय रोग है ये तो कुछ और बोल गई है। अभिषेक फोन लाइन पर है। अभिषेक, इस पे कुछ बातें चल रही है मुंबई में? कल जब ये खबर आई थी देर शाम को, तो पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ ऑन इन, फिर मैंने सोचा कि हम सब जितनी भी मेहनत कर रहे हैं कि मुंबई की मेयर की को कम से कम एक बार सारे लोग मिलकर टेलीविजन सेट्स की एक गिफ्ट कर दें ताकि उनको ये पता हो जाए कि ये डिजीज होती क्या है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रीय चैनल दिखा रहे हैं, मुंबई के हर अखबार में, अगर वो मराठी अखबार पढ़ती है तो उस अखबार में भी, हर अखबार में स्वाइन फ्लू की वजह क्या है और क्यों हो रहा है ये तमाम चीजें छपी हुई हैं। ये जो मेयर साहिबा हैं, ये दरअसल शिव जयंती, कल शिव जयंती थी जिसकी वजह से पूरे मुंबई में छुट्टी थी और काफी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, तो शिव जयंती का एक फंक्शन था दादर में, वहां पर ये आई थी। और आप ये देखिए कि जब एक प्रोटोकॉल मैं आपको बता देता हूँ ऑन इन, कि जब मेयर आती हैं तो इलाके का वार्ड ऑफिसर या जो तमाम अधिकारी होते हैं वो तमाम लोग मेयर को मिलते भी हैं और उनको बताते भी हैं कि इस समय क्या चल रहा है। मेयर के दफ्तर से और बीएमसी के दफ्तर से रोज आंकड़े भी आते हैं हमारे पास कि आज स्वाइन फ्लू में क्या अपडेट है, कितने लोग और भर्ती हुए हैं और क्या कदम उठाए गए हैं, और ये बाकायदा मेयर की जो ऑफिशियल हैं उनके पास से आते हैं। तो जब ये सब कुछ वो स्टेज पर कह रही थी कि हृदय रोग है और वो इसके लिए ये तमाम चीजें कर रही हैं, किसी भी अधिकारी ने जरूरत भी नहीं समझी कि वो अपनी मेयर साहिबा को ये बताएं, बाद में बताएं या पहले बताएं कि ये दरअसल हृदय रोग जैसी कोई स्थिति नहीं होती है, बल्कि एक वायरस वाला मामला है और ये फैलता है और इसको लेकर इतना ज्यादा हड़कंप नहीं मचाना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ये कल एक कार्यक्रम था जहां पर मेयर ने ये कहा था, उसके बाद से उनका कोई रिएक्शन आया है क्या? क्या उनको इस बात का इल्म भी है कि वो क्या कह गई हैं, वो गलत हैं, या अब भी उन तक जानकारी पहुंची है या नहीं पहुंची है? देखिए, उनको बखूबी पूरी जानकारी है कि वो क्या कह गई हैं और इसी वजह से वो किसी फोन कॉल और एसएमएस का जवाब नहीं दे रही हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये जो मेयर है वो दरअसल इसी तरीके के बयानों के लिए जानी जाती है
और कई बार मीडिया के बहुत सारे लोग इनके बयानों को इसलिए नजरअंदाज भी कर देते हैं क्योंकि इनको बहुत ज्यादा प्रमुखता देने का मतलब बहुत कुछ और हो जाएगा। तो इनको बहुत सारी इस किस्म के बयान देने की आदत है, इस वजह से कई बार इनके बयान नजरअंदाज भी किए जाते हैं। चलिए अभिषेक, शुक्रिया आप जुड़े। नेता बेखबर, इस पर आप ट्वीट करते रहिए #नेता बेखबर। लोग मर रहे हैं और आप देखिए पूरे देश में कहर फैला हुआ है, 712 लोग कम नहीं होते। और मुझे लगता है मेयर साहिबा को भले ये ना पता हो कि स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है, लेकिन अब उनको ये पता चल गया होगा कि एक गलत बयानी जो है वो सोशल मीडिया पर कैसे फैल जाती है और कैसे लोगों को पता चल जाता है कि आप मेयर हैं, आप इतने गंभीर पद पर हैं और आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। आप भी हमें अपनी राय भेज सकते हैं नेता बेखबर #नेता बेखबर पर कि आप ऐसे नेताओं को सुनते हैं, ऐसे बयानों को सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है।